हम सब ने स्किन इन्फेक्शन से परेशान डॉग्स को सड़कों पर घूमते हुए देखा है। वो बहुत ही कमजोर और मायूस दिखते हैं और उनके जगह में कोई भी होना नहीं चाहेगा। दिखने में तो ये समस्या बड़ी लगती है, लेकिन इनकी मदद करना मुमकिन है। जब मॉनसून यहाँ पे आया था तब उसके शरीर पे बहुत कम बाल थे और ये मेंज बैक्टीरिया और फंगस से संक्रमित था। आज के वीडियो में हम आपको स्किन इन्फेक्शन और उनके इलाज के बारे में बताएंगे। समस्या चाहे जो भी हो, सबसे पहला स्टेप है कि आप उन्हें एक पौष्टिक आहार दें। इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप उन्हें प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर आहार दें। उनके खाने में नारियल तेल और लिक्विड विटामिन भी डालें। अब बढ़ते हैं स्किन प्रॉब्लम्स की ओर। कभी कभार स्किन इन्फेक्शन पिस्सुओं के वजह से भी हो सकता है। इसमें डॉग्स को बहुत खुजली होती है और उनके पूरे शरीर पर स्कैब्स और पैचेस बन जाते हैं, और साथ ही पिस्सू भी। पिस्सू से छुटकारा पाने के लिए आप अपने डॉग के शरीर पर नारियल का तेल लगाएं और अगले दिन एंटी फ्लीज शैम्पू से उन्हें नहला दें। अगर आप उन्हें नहला नहीं पा रहे हैं तो आप उन पर एफिटिक्स भी लगा सकते हैं, और अगर आप डॉग के पास जा भी नहीं पा रहे हैं तो आप उसके खाने में एंटी फ्ली मेडिसिन मिला सकते हैं। मेंज दो प्रकार के होते हैं, डेमोडेक्टिक और सार्कोप्टिक। डेमोडेक्टिक मेंज के सिम्टम्स हैं बालों का झड़ना, रेडनेस, पपड़ीदार त्वचा और खुजली। अगर इन्फेक्शन बहुत बुरा है तो ये पूरे शरीर पर फैल सकता है। डेमोडेक्टिक मेंज इंसानों में नहीं फैलता, लेकिन ये दूसरे कमजोर कुत्तों में फैल सकता है। सार्कोप्टिक मेंज पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके सिम्टम्स हैं बालों का झड़ना, बहुत ज्यादा खुजली, रेडनेस, पूरे शरीर में रैशेस और पीली पपड़ीदार त्वचा, और ज्यादा गंभीर स्थितियों में त्वचा मोटी हो जाती है, लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं और कमजोरी भी हो जाती है। सार्कोप्टिक मेंज कुत्तों के साथ साथ इंसानों में भी आसानी से फैल सकता है। इनके ट्रीटमेंट के पहले आप ग्लव जरूर पहने। दोनों प्रकार के मेंज में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। मेंज को पहचानने के लिए आपको एक स्किन सैंपल अपने वेट को देना होगा। मेंज का उपचार करने से पहले आप अपने वेट की सलाह जरूर लें। अगर आप उस डॉग को वेट के पास नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप ये चीजें करिए। उन्हें हफ्ते में दो बार मेडिकेटेड बाथ दें। पेटबेन शैम्पू के साथ साथ आप उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए क्लीनर पेट शैम्पू से नहलाएं और फंगल इन्फेक्शन के लिए केटोकोनाजोल शैम्पू से नहलाएं। बैक्टीरिया और फंगस से छुटकारा पाने के लिए और त्वचा को राहत देने के लिए आप हर दूसरे दिन उनकी नारियल तेल से मालिश करें। आप इन्हें हर हफ्ते आइवरमेक्टिन भी दें, लेकिन वेट के निगरानी के बिना नहीं, क्योंकि अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो ये कुत्ते के लिए जानलेवा हो सकता है। अगर आप कुत्ते को वेट के पास नहीं ले जा सकते तो एक इंसान के साथ उसकी एक साफ तस्वीर लें और वेट को भेजें। इससे वो कुत्ते के वजन का अनुमान लगाकर उसे दवाई दे सकते हैं। कुत्तों को मेंज या मेंज के बिना फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लक्षण है एक गंदी बदबू, सफेद या पीले रंग का डिस्चार्ज, पपड़ीदार और चिपचिपी त्वचा। इसका इलाज हर हफ्ते केटोकोनाजोल शैम्पू से नहलाकर हो सकता है। अगर आप कुत्ते को नहला नहीं पा रहे हैं तो वेट की सलाह लेकर आप उन्हें फ्लूकोनाजोल टैबलेट दें। गर्मियों और बारिशों के मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही आम है। इसके लक्षण है पस भरे घाव, सूजन, खुजली और चिपचिपी त्वचा। अगर पैचेस छोटे हैं तो उन पर एलोवेरा जेल लगाएं। इससे बैक्टीरिया से छुटकारा भी मिलेगा और त्वचा को राहत भी मिलेगी। अगर उनके पूरे शरीर पर इन्फेक्शन है तो उन्हें हर हफ्ते पेटबेन या क्लीनर पेट शैम्पू से नहलाएं। इसके साथ ही साथ आप वेट की सलाह पर उन्हें एंटीबायोटिक्स भी दें। इसे इंजेक्शन या टैबलेट द्वारा दिया जा सकता है। अब आपके पास ये सब जानकारी है जिससे आप आसानी से इन आम स्किन इन्फेक्शन का इलाज कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई नई जानकारी है तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं।